बाड़मेर जिले की धनौ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिसरनिया से में एक नई ग्राम पंचायत बनाई जा रही है। डेलुआ का ताला उसमें राजसव गांव हरणियों की ढाणी को जोड़ा जा रहा है और आवागमन के रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि लोगों ने नई ग्राम पंचायत का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। सर, आपकी यहाँ क्या समस्या है? सर, हमारी कदन नाड़ी भेज रहा है सड़क तंजी में, हम नहीं जाना चाहते हैं। कदन नाड़ी में ही रहना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। न रास्ता है, न बात है, न बिगड़े कुछ भी नहीं है। उधर जाने के लिए हमारे को जबरदस्ती भेजना है, हम नहीं जाना चाहते हैं। हम सब एक ही कदन नाड़ी में रहना चाहते हैं और कदन नाड़ी में ही रहेंगे। हमको नहीं किधर जाना है, न जाना चाहते हैं। सड़क दंजी में हमारे को जबरदस्ती भेज रहे हैं, बहुत दूरी है और जबरदस्ती भेज रहे हैं। हम नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं, सड़क दंजी में नहीं जाना चाहते हैं। सर, आपकी यहाँ क्या समस्या है? पंचायत राज पुनर्गठन के बारे में हम यहाँ सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर आए हैं और हमारी मूल समस्या ये है कि डेलुआ कला हमारे मूल ग्राम पंचायत बिसरनिया उसमें गांव नया पंचायत बना रहे हैं डेलुआ कला को, उसकी कोई सुविधा नहीं है वहाँ। और मूल गांव जेंटर में बनता है हिरोनी बतला, उसमें चार गांव है, एक भोजावास, भूसाणी तल्लासर और हिरोनी बतला और डीलो बतला, उसमें पांच वार्ड पड़ते हैं। मूल सेंटर में हिरोनी बतला था और उसमें सभी सुविधाएं, एक सुविधा ही कोई बाकी नहीं है। ANM क्वार्टर है, वाटर बॉक्स है, आर ओ प्लांट है और सीनियर स्कूल है, तलाव है, मंदिर है, आबादी भूमि है। और वहाँ माका निरीक्षण करके कलेक्टर साहब को हमारी ये ज्ञापन देने के लिए आए, निरीक्षण करने के लिए कि हमारा कम से कम वहाँ जाकर एक बार मौका दे करके सही बनाया जाए, ताकि हमारा एक बार जनता को कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। यदि डेलो का तला बन गया तो हमारी भविष्य में कभी भी कोई आपत्ति पूरी नहीं कर सकती है सरकार, भले कितना भी पैसा देता तो हमारी जनता की कोई समस्या हल नहीं होगी। इसी के लिए हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को निवेदन करने के लिए आए हैं और राजस्व मंत्री को भी भेजेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी देंगे और हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी ज्ञापन देकर के हम आशा यही रखते हैं हमारा काम सही हो और कलेक्टर साहब को हमारा यही ज्ञापन दे करके निरीक्षण करें। और हमारे साथ में आदरण जी है, सभी नेतागण, उनका काम होना चाहिए हमारा एक बार निरीक्षण करके बाद में ही पंचायत बनाई जाए, नहीं तो हम बिसरनिया यथास्थिति बिसरनिया में ही रखें, नहीं तो हम दूसरी पंचायत में नहीं जाने चाहते हैं। मूल गांव हिरोनिया का तला बनेगा तो भी हमारा जनता संतुष्ट रहेगी। उसमें एक और समस्या है, डेलुआ तला के अंदर 1022 आबादी है, उसके अंदर वार्ड नंबर 4 वो हिरोनिया के तला के साथ में रहने चाहते हैं, पहले से उल्टा उल्टा रखा हुआ है और उनकी जमीन जायदाद डेलुआ तला है, डेलुआ तला है और उसके साथ में 4 नंबर के वार्ड की 1750 आबादी है, वो हिरोनिया तला के देने के लिए साथ में ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनको यहीं रहना चाहते हैं कि हम हिरोनिया तला साथ में रहेंगे, नहीं तो हम बिसरनिया मूल ग्राम पंचायत के अंदर रहेंगे। श्रीमान जी, मेरा नाम राणा राम जी, मैं मुद्दा उठाने के लिए यहाँ जनता के साथ में। भारत माता की, भारत माता।